नमस्कार मित्रों, राम राम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग भाइयों? जल्दी से फटाफट एक बार शेयर करो और शुरू हो जाओ हमारे साथ में। आज फिर से हम लोग आवाज से फिर से अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। और आपका जो पीटेट का पेपर है, देखिए अभी कोई अपडेट नहीं है, 6 सितंबर मान के चलिए पीटेट के एग्जाम को है, अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि जिसपे कह दिया जाए कि नहीं कन्फर्म ये पेपर नहीं होगा। ऐसी कोई भी अपडेट हम लोगों के पास अभी नहीं है। और अगर कोई आपको दे रहा है तो वो झूठ कह रहा है, ध्यान लीजिए, परेशान कर रहा है केवल। जैसे बीएसटीसी में कई लोग आपसे कह रहे थे कि भैया पेपर अभी नहीं होगा, पेपर बाद में होगा, वैसे ही पीटेट में भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि पीटेट का अब तक का कोई अपडेट क्लियर नहीं है कि पेपर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान देना दोस्तों। एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी भाई जल्दी से शेयर करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर अपने प्रैक्टिस की शुरुआत। कोई गैप नहीं, कोई छुट्टी नहीं। जैसा जीके राजस्थान का रिकॉर्ड है कि हमने लगातार क्लासेस दी हैं, कोई गैप नहीं हुआ, कोई छुट्टी नहीं हुई, लगातार आपको क्लास दी गई है। यह सेशन फिर से शुरू हो रहा है आज से। और अगर पीटेट का एग्जाम 6 तारीख को है तो हम उसको टारगेट करके चलेंगे, आपके पटवारी के एग्जाम को टारगेट करके चला जाएगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम जो सुनने में आया कि भर्ती ओपन होने वाली है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे दोस्तों। और अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला हुआ है तो आपके लिए भी ये काम देगा। अब तक आपको भरोसा हो चुका होगा हमारी टीम पर, हमारी टीम कभी आपसे फिजूल में टाइम पास नहीं करेगी। हम जो भी पढ़ाएंगे वो टॉपिक पर होगा। ये मत सोचना कि सर ये टॉपिक में दिया है कि नहीं दिया है, पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, ये सरदर्द आप मत पालिएगा, ये टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप केवल पढ़िए, आप पढ़ने पे फोकस करिए, बाकी सारा काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो आंसर देने लगे सब, अरे ये सब महान है। जल्दी मैं जो कह रहा हूं पहले वो करो, मेरे को मालूम है तुम लोग मास्टर हो चुके हो, अब तुम लोगों को सर जी लोगों की जरूरत नहीं है, मालूम है मेरे को बहुत बड़े मास्टर हो गए हो। जल्दी से बताओ क्या हाल चाल है, कैसा हो, घर पर क्या रिस्पांस रहा, घर वालों ने क्या कहा, ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि जो थोड़ा सा आगे करेंगे। तुम लोग चूंकि आंसर दे रहे हो तो चलो मैं तुम्हारा मन नहीं तोड़ूंगा, सवाल का जवाब देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे। एक बार दोस्तों जल्दी से एक बार शेयर करिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर लाने चाहिए, कितने पे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, ये सब बातें मैं आगे करूंगा आपसे, परेशान मत होइए, ये सब बातें मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं, कुछ सवालों पे जरा काम कर लिया जाए। जल्दी से एक बार शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ा जाए दोस्तों। जल्दी से एक बार शेयरिंग सभी लोग करिए, फटाफट जल्दी से शेयरिंग करिए बिना समय गंवाए हुए, है ना, जल्दी से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए जो दोस्तों जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न जो है वो एनालॉजी का प्रश्न है। किस टॉपिक का है दोस्तों? एनालॉजी का सवाल है, ध्यान देना। पूछा गया है BJCI। देखिए दोस्तों जो दिया गया है वो क्या है, इसने बोला है बी, देखिए दोस्तों इसने कहा है BJCI, इसको लिखा गया है JBIC, ये लिखा गया है। तो बताना है दोस्तों CX, D और W को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं आप। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर कुछ नहीं हुआ, केवल क्रॉस कर दिया गया है ऐसे ऐसे, है ना, वही काम देखिए यहां भी कर दिया गया, दोनों में क्रॉस हुआ है, वही पैटर्न उठा के इधर भी लगा दीजिए, आधे पर से क्रॉस क्रॉस पैटर्न लगा दीजिए, यानी दोस्तों इनको इधर, इनको इधर, इनको इधर, इनको इधर, देखिए दोस्तों यहां हो जाएगा X, C, W और D, यही हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर, कि X, C, W, D यही है राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर D। जितने मेरे भाई इसके साथ आ रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखना, बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोमल का जवाब बिल्कुल सही है, पुष्पलता का जवाब बिल्कुल सही है, बनवारी सैनी का जवाब बिल्कुल सही है, और पीयूष का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है भाई, और नीतू का जवाब सही दिख रहा है, हिमेश का जवाब राइट है ना दोस्तों, गीता का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, योगिता का जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था पहला प्रश्न जिसका आंसर आपको मिल चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
दोस्तों एक बार शेयर कर दो यार, संख्या बहुत कम है भाई, संख्या बहुत कम है, एक बार बेटा शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए। ऐसा नहीं कि सर जी पेपर खत्म हो गया तो आप कौन हम कौन, ऐसा मत करना, ध्यान रखना, ठीक है ना? ऐसा नहीं, ये गलत बात होगी। हमने आपको सहयोग किया आपके एग्जाम के लिए, आप आगे भी एग्जाम देंगे, जी जान से लगे रहिए, हम फिर से उसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे, फिर से वही सीजन चलेंगी और एक नए सेशन के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, नए प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और देखा जाएगा कि पीटेट में कैसे एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, पटवारी में कैसे सवाल आ सकते हैं, राजस्थान पुलिस जो ओपन होने वाली है उसमें कैसे एग्जाम्स में सवाल रहेंगे, और दरोगा ओपन होता है तो उसमें कैसे एग्जाम्स के सवाल रहेंगे। क्योंकि दरोगा लगभग इंडिया के हर राज्य में सुनने में आ रहा है कि ओपन हो रही है, एसआई की वैकेंसी बिहार में ओपन हो रही है, यूपी में ओपन हो रही है, अपने राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है कि एसआई ओपन की जाएगी, एमपी में भी ओपन होने वाली है। दोस्तों ध्यान देना, ऑलरेडी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल ही रही है, यानी कि दोस्तों इस साल अब फिर से अगर देखा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आने वाली हैं, और उसका जो लेवल है बेटा ध्यान देना, अगर एसआई का एग्जाम होता है तो उसका लेवल बहुत हार्ड होता है। एसआई के पुराने पेपर आप देखेंगे, रीजनिंग के सबसे एडवांस सवाल उसमें आते हैं, सबसे बढ़िया सवाल उसमें आते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इसलिए बेटा तैयारी में लापरवाही नहीं करनी है। ये था पहले प्रश्न का आंसर, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं तुरंत बिना समय लिए हुए। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए दिखाई दे रहा है, फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों देखिए ए बी को लिखा गया है एन ओ, देखिए दोस्तों ए बी को लिखा गया है एन ओ, तो बताना है दोस्तों यल यम को क्या लिखा जाएगा, यही प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से बताइए और शेयर करिए, संख्या को बढ़ाइए दोस्तों, तभी मजा आएगा, ठीक है ना? जल्दी से शेयर भी करिए दोस्तों, संख्या बढ़नी चाहिए। कल पेपर खत्म हुआ तो ये नहीं कि अरे सर सर से बोझ उतर गया, एक पेपर से क्या होता है, ऐसे बहुत पेपर तुमको देने हैं और सिलेक्शन तब मिलेगा, एक फॉर्म भर के उसी में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्म पर ये तुमको काम करना है। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब देंगे। देखिए आंसर आने लगा है, नीतू कह रही है सर वाई और जेड होगा। अच्छा गौरव जी पी और के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अधिकतर बच्चे जैसे मोहित हैं वो वाई और जेड के साथ, देखिए अधिकतर भाई इस पर जा रहे हो, अधिकतर भाइयों का कहना है सर ये होगा। चलिए दोस्तों जरा चेक करते हैं क्या होना चाहिए। अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए यहां पर प्लस 13 हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों प्लस 13 हुआ है, और यहां देखिए दोस्तों यहां पर भी प्लस 13 हुआ है, दोनों साइड में प्लस 13 है, तो यानी बेटा उधर भी दोनों में प्लस 13 कर दिया जाए। और देखिए दोस्तों यहां प्लस 13 कर दें तो ये 12 और 13 25 हो जाएगा, और दोस्तों अगर यहां कर दें तो यम का नंबर ऑलरेडी 13 होता है तो 13 26 हो जाएगा, यानी वाई जेड यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, वाई जेड यही है राइट आंसर दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एनी डाउट्स, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने पेपर दिया, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के सवाल चार चार पांच पांच सवाल पेपर में आ रहे हैं, कई लोगों को लगता है सर इतना ज्यादा क्यों बताते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सवालों का फायदा क्या है, देखिए एनालॉजी भी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग भी हो गई, दोनों काम एक ही सवाल में हो गया, आपके दोनों नॉलेज इसमें चेक हो गए, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है कि नहीं आती, क्योंकि वो इसी पर था, इसमें कुछ अलग से ही करना था, इसी पर थी कोडिंग और डिकोडिंग भी आपकी, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कैसा रहा, कैसा लग रहा है सवाल, ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब देना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों जीके राजस्थान बिना किसी रेस्ट के शुरू हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कछुआ और खरगोश वाली, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिंदगी में सफल वही होता है जो लगातार चले, ठीक है ना? ये नहीं कि पेपर है तो खूब पढ़ा और पेपर खत्म तो फ्री हो गए, दोस्तों ऐसा करोगे तो सिलेक्शन जिंदगी में नहीं होगा, हमेशा अनवरत चलते रहिए जब तक कि सीढ़ी मिल ना जाए, जब आपको अपनी मंजिल मिल जाए
तब जाके रुकिए, और लेकिन सीखना तब भी बंद मत करिएगा, क्योंकि जिंदगी में जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, लाइफ का मजा वहीं से खत्म हो गया। आपने कुछ नया सीखना जब से रोक दिया, आपकी लाइफ वहीं रुक गई। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी सीखना मत बंद करना, प्रैक्टिस करना कभी मत बंद करना, क्योंकि यही लाइफ को एंजॉय देगा, यही लाइफ में एक टारगेट देगा, यही लाइफ में आपको कुछ करने की हिम्मत देगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, देखा जाए इस प्रश्न को। देखिए, 5 है, 16 है, 51 है, 158 है। अगर आप देखें तो 5 से 16 हुआ, 16 से 51 हुआ, और इसी तरह से दोस्तों देखा जाए 51 से 158 हो रहा है। देख रहे दोस्तों, देख रहे, यहां देखा जाए तो सबसे पहला काम देखिए, 5 3 15 + 1 है ना दोस्तों। मैं देख रहा हूं जवाब आपके जल्दी से, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपसे बात करूंगा, दोस्तों अभी मैं बात करूंगा मेरिट के बारे में, कि बीएससीसी की मेरिट कितनी हो सकती है, मैं इस पर भी आपसे जिक्र जरूर करूंगा, और भी कुछ बातों पे बातें होंगी, लेकिन कुछ सवाल पहले लगा लिए जाए, तब इन सभी बातों पे जिक्र देंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 16 से 51 देखा जाए तो 16 तिया 48 होता है, और अगर 48 में 3 जोड़े तो 51 हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए, जवाब देते चलना है, ठीक। देखिए, प्रियंका का जवाब आ रहा है 481, रवि जी भी जा रहे हैं 481 के साथ। अच्छा भाई, अधिकतर बच्चे 481 के साथ चल रहे दोस्तों। अब जरा यहां देख लो भाइयों, यहां देखा जाए तो अगर यहां भी हम लोग 3 से गुणा करें तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15 होता है, यहां 158 है, यानी दोस्तों यहां 5 जोड़ दो। अब देखिए भाइयों, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां 3 से तो गुणा हो रहा है सभी, देखिए एक लाइन से, उसके बाद 1 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, यानी दो दो का डिफरेंस है ना दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या कर लेते हैं, पहला काम 158 में 3 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 2 = 17 और 3 × 3 = 1 = 4, 474 तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, यहां पर 1 था, 2 बढ़ाया 3 हुआ, 3 में 2 बढ़ाया 5 हुआ, तो 5 में 2 और बढ़ा दो, यानी दोस्तों अब यहां पर 7 जोड़ दो, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 481। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, नो एनी डाउट्स, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा 481। जितने भी मेरे भाई इसके साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। नीतू, वेरी गुड बेटा। बनवारी जी बिल्कुल सही है। ओम पाल बिल्कुल सही है। मोनिका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है। अभी हम लोग आगे चलकर बीएसटीसी पर भी बातें करेंगे, और देखा जाएगा कि कहां कहां क्या हो सकता है और मेरिट क्या होगी, इस पर मैं जिक्र करूंगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा कुछ सवाल लग जाए कि आगे हम लोग का ये भी काम डिले ना हो, है ना। चलिए दोस्तों, यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ये बताना है। देखिए दोस्तों, इनका संबंध इनके साथ है, तो इनका संबंध किसके साथ होगा, यही आपका प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ए जी को आई ओ लिखा गया है, तो बताना है ई के को क्या लिखा जाएगा। जल्दी जवाब देना है दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए दोस्तों, आकृति सादृश्यता वर्गीकरण, शरद जी कह रहे हैं बिल्कुल दोस्त, पढ़ाऊंगा और जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब हम लोग यहां से कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद कि टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा, अभी मैं मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूं, कोशिश करूंगा कुछ दिनों के बाद हम लोग टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो मैं एक एक टॉपिक का डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, और आगे आपको ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा, और बेसिक्स भी समझाऊंगा, क्योंकि अब समय रहेगा और इत्मीनान से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना दोस्तों। जल्दी से जवाब देंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। एसके जी भी ऑप्शन डी के साथ चल रहे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग भी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1 से 9 है +8, है ना दोस्तों। 7 से 15 हुआ है +8, दोनों में +8 हुआ है। अब यही काम आगे भी कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर +8 कर दो तो 5 और 8 कितना हो जाएगा भाइयों, 13 हो जाएगा, यानी कि यम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से देखिए, अगर यहां भी 8 जोड़ दें तो 11 और 8 = 19 हो जाएगा, यानी यस हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, यम और यस। चेक करिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों,
कई बच्चे जो दूसरे बी के साथ जा रहे थे वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल संजय, क्या बात है, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाइयों। विनय वेरी गुड, केशव, प्रियंका, रामलखन, अभिषेक, मोनिका, नीतू बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी भाई, बहुत बढ़िया। नेहा विश्नोई बिल्कुल, एस के लीलावत बिल्कुल सही जवाब है, हिमेश जी का जवाब आ गया। चलिए दोस्तों, मैं नाम इसलिए देख रहा हूं कि देखा जाए कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जाम के बाद भी, क्योंकि ये बताता है कि उनका भविष्य कितना अच्छा होने वाला है। क्योंकि हम भी चाहते तो आज छुट्टी कर सकते थे, आज रेस्ट कर सकते थे कि यार बहुत मेहनत किया है बीएसटीसी के पेपर में, मैं भी रेस्ट कर लूं, कल से पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों नहीं, मैंने पहले कहा था कि रेगुलरिटी ही हमारे चैनल की सबसे बड़ी खासियत है। हम आपको रेगुलर क्लास देंगे, कोई गैप नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सफलता उसी के पैर चूमती है जो लगातार मेहनत करे। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्षणिक मेहनत वाले कभी सफल नहीं होते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जरा इसका जवाब दो। मैं देखना चाह रहा हूं कितने मेरे भाइयों का जवाब इसका सही आता है, जल्दी जवाब दीजिए, मैं चेक करूंगा आपकी नॉलेज को। यहां पर ध्यान दें दोस्तों, 25 को लिखा गया है 75। देखिए दोस्तों, 25 को लिखा गया 175, तो बताना है 32 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। देखता हूं मेरा कौन सा भाई इसका सही सही जवाब देता है, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए, मुझे मैं देखना चाहूंगा, जल्दी से जवाब दें दोस्तों, बिल्कुल जल्दी जल्दी रिप्लाई दें, फटाफट आंसर दें। और बेटा शेयर करते रहे यार, शेयर करते रहिए, संख्या बहुत कम है, आप देखिए हम लोगों ने कितना ज्यादा पढ़ा है, कितनी अच्छी संख्या रही है, और आज संख्या इतनी कम है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पेपर के अगले दिन ही सारा इंडस्ट्री ही खत्म हो जाए पढ़ाई से, ऐसा हो गया तो यानी बेटा तुम्हारे दिमाग को चेक कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेटा रेस्ट करने का समय अभी नहीं, पूरी दुनिया परेशान है जॉब के लिए, पूरा इंडिया परेशान है जॉब के लिए, और अगर तुम उसके बीच में आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। पेपर देकर के तो सब लोग आराम कर रहे हैं, तो बेटा अगर तुम भी आराम करोगे तो तुमने अलग क्या किया, तुमको आराम नहीं करना है, तुमको फिर से उठ के खड़े होना है और फिर अगले जंग की तैयारी शुरू कर देनी है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे। 162, 160, अच्छा भैया, अधिकतर मेरे भाई या तो इसके साथ जा रहे हैं या तो इसके साथ जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर 25 × 7 कर दें तो 175 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, 7 करोगे तो 175 आ जाएगा, लेकिन भैया जरा यहां 7 करके देखो ना, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और 7 × 3 = 21 और 1 = 22 हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में 224 कहीं दिया है? देखिए 224 तो कहीं दिया ही नहीं है, यानी सर ये तो नहीं होगा भैया, दिमाग तुरंत चला चाहिए, सर नहीं ये तो नहीं होगा, यानी सर यहां 7 से 2 नहीं होगा। अब भैया 7 से 2 नहीं करोगे तो क्या किया जाए? तो देखिए 7 यहां कैसे आया, देखिए जरा ध्यान से, इसमें 2 अंक हैं, 2 और 5, तो 2 + 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, यानी इसे दोनों अंकों को जोड़ दे तो 7 मिल जाएगा। इसी तरह से भैया यहां देखिए 2 अंक हैं, 3 और 2, इनको जोड़ लीजिए तो 5 आ जाएगा, तो 32 में 5 × 2 कर दीजिए, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 160, कितना हो जाएगा भाइयों, 160, यही है राइट आंसर। हमने क्या किया, इसके अंकों को जोड़कर उसी का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और जो आया वही आंसर हो गया, 160 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, नो डाउट। जितने भी मेरे भाई इसके साथ गए, चलिए मैं देखता हूं कितने में भाई जा रहे हैं 160 के साथ। अच्छा नीतू वेरी गुड बेटा, मोहित बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी के साथ, हिमेश जी भी जा रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है, गुड मॉर्निंग हीरा जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, जल्दी से। अच्छा अनिल भी डी के साथ हैं, वेरी गुड, गौरव भी डी के साथ हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, समझ में आया, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, जल्दी बताइए एक बार, कमेंट करिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से एक बार कमेंट करिए, फटाफट बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से दोस्तों एक बार रिप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों 160 वेद प्रकाश संजय अजय गौरी बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बी आर मेघवाल भी सही है दोस्तों, बिल्कुल ओके ओके दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है भैया। छठवां प्रश्न क्या है समझ लीजिए, इसमें बताना है कौन सा विषम है, क्या बताना है, विषम है, बताइए कौन सा विषम है, यही खोजना है दोस्तों इस प्रश्न में। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न का, कि सर कौन सा भिन्न है। चलिए मैं आपकी एक हेल्प करता हूं कि मैं यहां पर इनकी नंबरिंग लिख देता हूं। देखिए दोस्तों 2, 1, 4, 3 है ना, इसी तरह से देखिए अगर यहां देखा जाए तो 24, 23, 26 और 25 क्लियर है दोस्तों, देखते चलिएगा। इसी तरह देखिए यहां पर 22, 21, 19 और 20 और इसी तरह से देखिए दोस्तों यहां पर 14, 13, 16 और 15 बताना है कौन सा भिन्न है। देखता हूं मेरा कौन सा भाई इसका सही सही जवाब देता है, जल्दी से दोस्तों जवाब देना है कौन सा अलग है। मैं देख रहा हूं भाई अधिकतर बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, अच्छा भाई सी के साथ चल रहे हैं, क्यों क्यों सी के साथ जा रहे हैं ये भी तो जरा जाना जाए, ऐसा क्या है सी में कि आप उसके साथ चल रहे हैं, उसका रीजन बताइए दोस्तों। देखिए यहां पर इस नंबरिंग के सहारे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जरा नोटिस करिए यहां पर देखिए एक वॉवेल ए दिख रहा है आपको, देख रहे हैं वॉवेल आया हुआ है ए, यहां देखिए एक वॉवेल यू आया हुआ है और यहां देखिए एक वॉवेल ओ आया हुआ है। देखिए जितने वॉवेल है मैंने उनके नीचे अंडरलाइन कर दिया है समझने के लिए, है ना, ध्यान से देखा जाए दोस्तों अगर तो पहले में तीसरे में चौथे में सब में एक एक वॉवेल है, लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों बी वाले ऑप्शन में कोई वॉवेल नहीं है, कोई वॉवेल नहीं है, ध्यान से देखिए ऑप्शन बी में कोई वॉवेल नहीं है, कोई वॉवेल नहीं है, है ना दोस्तों, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां से भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी यहां से भिन्न है। अच्छा और भी आप लोग चाहें तो कह सकते थे कि सर क्या जा रहा है, देखा जब मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं। अच्छा देखिए भैया सप्ता जी मैं बता दूं आपको पीटेट का एग्जाम अभी तक 6 सितंबर मान के चलिए, क्योंकि अभी तक कोई कैंसिलेशन न्यूज नहीं है, जितने लोग बोल रहे हैं ये अफवाह है केवल और कुछ नहीं है, 6 सितंबर मान के चलिए टारगेट उसी को रखिए, इसीलिए हम लोग भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तुरंत क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं, तो 6 सितंबर एकदम दिमाग में बना के चलिए आप, तभी जाएगा, रेस्ट मत जाइएगा नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए फटाफट सही ऑप्शन होगा कि सर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, कोई भी वॉवेल नहीं है, यही है इसका सही सही जवाब। अब देखिए दोस्तों आप लोग एक चीज और कह सकते हैं कि देखिए सर यहां से शुरुआत हो रही है, कि मैं कलर बदल दूं जिससे आपको मेरी बात समझ में आए, देखिए यहां देख रहे हैं 1 है ना, तो 1, 2, 3, 4 है ना, बी यहां से शुरू करके इसी तरह से देखिए 21 से शुरू करिए तो 21, हां देखिए यहां से शुरुआत हो रही है, 19 से शुरू हो रहा है 19, 20, 21, 22 है ना, यहां देखिए तो 13 से शुरू हो रहा है 13, 14, 15, 16 और यहां देखिए तो यहां से शुरू हो रहा है 23, 24, 25 और 26। लेकिन एक चीज नोटिस करिए बेटा, जरा यहां अगर देखा जाए एक बार तो यहां पर देखिए यहां इस जगह से शुरुआत हुई है, बाकी समय इस जगह से हुई। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, ध्यान देना ये पहली प्रियोरिटी है, ये पहली प्रियोरिटी है, अगर ये न होता तो आप दूसरे नंबर पर तीसरे वाले ऑप्शन को लेते, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते कि सर उसका क्रम जो है वो चेंज हो रहा है बाकी तीन के मुकाबले, समझ रहे दोस्तों, क्लियर हुआ अभी। देखिए कि पहली प्रियोरिटी तो बी के साथ है क्योंकि इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, दूसरी वाली जो है वो सी ऑप्शन है क्योंकि सर इसमें क्रम चेंज हुआ है, इसमें क्रम क्या हुआ है दोस्तों, चेंज हुआ है ना दोस्तों, क्लियर है।
क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, बताना है कौन सा भिन्न है। यहां पर भी वही सवाल है, विषम बताइए। क्या बताना है दोस्तों? विषम कौन सा है बताइए, जल्दी जवाब देना है। कौन सा विषम है, कौन सा भिन्न है, इसका जवाब देना है दोस्तों। जल्दी से इसका जवाब देंगे, फटाफट बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों जल्दी से बताइए, सवाल को देखिए और जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट आपके काम नहीं आएगा, इसमें वॉवेल का कॉन्सेप्ट आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो 4, 3, 6, 7 देख रहे हैं दोस्तों। इसी तरह यहां देखिए 6, 5, 8, 9 क्लियर है दोस्तों। यहां देखिए 10, 9, 12, 13 क्लियर है दोस्तों। इसी तरह यहां देखो 8, 7, 10 और 12 बताइए इसमें आपको अलग दिख रहा है। अब जवाब दीजिए मुझे, मैं देखना चाहूंगा। वेरी गुड, देखो डी के साथ जाए, देखिए रीजन क्या है। अगर देखा जाए तो देखिए 3, 4, 6, 7 मतलब यहां उल्टा क्रम, यहां सीधा क्रम है ना। यहां देखिए 5, 6 उल्टा क्रम और यहां देखिए 8, 9 सीधा क्रम। क्लियर है? इसे देखिए दोस्तों 9, 10 उल्टा क्रम, यहां देखिए 12, 13 सीधा क्रम, बिल्कुल सेम सिंपल सा सीक्वेंस जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहां पर 7, 8 ये तो उल्टा क्रम सही है, लेकिन दिक्कत यहां फंस गई, दिक्कत यहां फंस गई और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस ग्रुप से अलग हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों कि नहीं हुआ, एक बार जल्दी से बताएंगे। वाह क्या बात है, अजय जी, पूजा, हरिओम, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लें कि बीएसटीसी का मेरिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्वालिफाइंग क्या हो सकता है मिनिमम। देखिए दोस्तों बीएसटीसी का टोटल पेपर जो था, बीएसटीसी अगर बात करें इसके बारे में, तो बीएसटीसी का टोटल मार्क्स था 600। टोटल मार्क्स कितना था? 600 था। पेपर कोई हार्ड नहीं आया था, पेपर बहुत नॉर्मल पेपर था। और इस पेपर को देखते हुए दोस्तों एक चीज तो ध्यान रख लो, एकदम गांठ मार लो इस बात को कि 75% मिनिमम, ये ध्यान रखिएगा 75% मिनिमम की मेरिट होगी, ध्यान रखिएगा। इससे कम के बारे में मत सोचिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा, नहीं तो ये अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे। कम से कम 450 नंबर अगर आपके सही हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा 450 नंबर अगर आपके सही हो रहे हैं तो ही आप उम्मीद रखिएगा, इससे कम में कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो कैटेगरी वाले भाई हैं, मैं आपको भी बता दूं, आप 65 से नीचे के बारे में मत सोचिएगा। कैटेगरी वाले जितने में भाई हैं बीएसटीसी का जिन्होंने पेपर दिया, मैं बता दूं आपको, जितने लोग कैटेगरी वाले हैं भैया, आपके लिए मेरिट 65% से कम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर आप कैटेगरी में हैं तो कम से कम आपको 65% तो लेना ही पड़ेगा। ये जो मेरा अब तक का रुझान मेरे को समझ में आ रहा है, पेपर को देखने के बाद में, बच्चों के सवालों को देखने के बाद में, वो ये मेरा सुझाव है। और जहां तक मुझे आशा है ये बिल्कुल सटीक बैठेगा, देखिएगा पेपर जब मेरिट बनेगी तो। कैटेगरी वाले बच्चे 65% से नीचे की उम्मीद न रखें। जितने शेड्यूल कास्ट आपके एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले तो बिल्कुल ज्यादा छूट की उम्मीद ना रखें। ओबीसी वालों को अधिक से अधिक अगर छूट मिलती भी है, देखिए दोस्तों ओबीसी वाले जितने भी मेरे भाई हैं, मैं आपको बता दूं ओबीसी वाले भाइयों को लगभग जनरल के बराबर मेरिट लानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। लगभग जनरल ओबीसी के जितने मेरे भाई हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपकी मेरिट 72 के आसपास रहेगी, इससे नीचे नहीं होगी, 72 से नीचे नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 72 से नीचे नहीं होगी ओबीसी वालों की मेरिट, एकदम ये फैक्ट है। देखिए ओबीसी वालों की मेरिट इतनी, जनरल वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो इसके लिए तैयार रहे, 75 डिग्री, इससे नीचे काम नहीं चलेगा, 75% से नीचे इससे काम नहीं चलने वाला, इससे नीचे में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये सुझाव मेरा है और ये ऐसा होगा, देख लेना ऐसा ही होगा, ये मेरा बिल्कुल गट फीलिंग है, ऐसा होगा तो होगा,
श्योर है अधिक 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा का अंतर नहीं होगा, ये देख लीजिएगा आप। जनरल की मेरिट कम से कम 75% पे होगी, ये कन्फर्म है जनरल वाले भाइयों के लिए। यानी आपको टोटल में से 450 नंबर तो लाने ही होंगे, इससे कम में बात नहीं बनेगी, एकदम दिमाग में गांठ मार लीजिए इस बात को। और जितने मेरे भाई ओबीसी वाले हैं, आप ये समझना कि आपको कोई ज्यादा छूट मिलेगी, आपको बहुत छूट मिलेगी तो 3%, इससे ज्यादा नहीं। कहने का सेंस ओबीसी वाले भाइयों को कम से कम 435 के आसपास नंबर लाना पड़ेगा। कितना? 435। अगर आप इतने में हैं तब आप मान के चलिए आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं, है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए अब अगर आपकी मेरिट उससे ऊपर है, 75 से ऊपर है, जो कि होनी चाहिए, पेपर में कितने मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी मेरिट जो है वो 75 से ऊपर गई। बताइए दोस्तों कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके लगभग अपने मान के चलो कि नियर अबाउट में 150 से ज्यादा सही हुए हैं। कितने मेरे भाई ऐसे, जरा एक बार जल्दी से रिप्लाई करिए, मुझे बताइए कि मेरे इतने कितने भाई इसमें से ऐसे हैं जो 150 से ज्यादा सही किए हुए हैं। बताइए दोस्तों जल्दी से एक बार रिप्लाई देंगे मुझे, कितने मेरे भाई ऐसे हैं जिनके 150 से ऊपर ज्यादा सही हैं, ये बताइए जल्दी भाई दोस्तों, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, जल्दी दोस्तों बताएं, फटाफट बताइए दोस्तों, जल्दी भाई जल्दी बताओ दोस्तों, फटाफट जवाब दो कि कितने मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने 150 से ज्यादा क्वेश्चन सही किए, जल्दी से कमेंट करिए एक बार, जल्दी बताओ दोस्तों, फटाफट बताओ। बिल्कुल बेटा सवाल पर ही मैं आ रहा हूं, थोड़ी सी एक बार जिक्र हो जाए, ध्यान रखना मेट, ठीक है। देखिए जरा मेरे कह रहे हैं सर मेरा है रविराज, वाह क्या बात है भाई, आकाश, तेजपाल, बी आर मेघवाल, मोनिका, नितिन, अरे वाह बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों अगर आप इतने पर हैं तो मान सकते हैं कि आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, एकदम कंफर्म मान के चलिए, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बीएसटीसी की जनरल की मेरिट 75% से नीचे नहीं आएगी, ओबीसी की मेरिट 72% से नीचे नहीं जाएगी, और कैटेगरी वाले मेरे भाई 65 से नीचे की उम्मीद ना रखें, इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी, ये गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों चलिए मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट बिना समय लिए हुए, अगले प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, बताना है कौन सा भिन्न है, यहां भी बताना है आपको विषम कौन सा है, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा विषम है, जल्दी से जवाब देंगे कौन सा विषम है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा विषम है, जल्दी से दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब देंगे कौन सा विषम है दोस्तों। देखिए यहां 10238 और 427 है, जल्दी से बताना है कौन सा विषम है, कौन सा अलग है, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं देखूं कितने मेरे भाई इसका जवाब दे सकते हैं, ज्यादा हार्ड सवाल ये है ही, जल्दी से दोस्तों। महेंद्र जी कह रहे हैं सर सी होगा, अच्छा हिमेश जी ए के साथ जा रहे हैं, ओके संदीप बी के साथ जा रहे हैं, हर एक भाई अलग अलग जवाब दे रहा है, हर एक भाई अलग अलग जवाब दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखा जाए जरा इसको। ये देखिए भैया यहां पर अगर हम लोग लिखें तो 1³ - 1=0, देखिए 1 था तो 1 का क्यूब करके 1 घटा दो 0 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों देखिए यहां पर 2 से 3 क्यूब की जगह स्क्वायर कर लेना, क्योंकि बगल में उतना लंबा नहीं दिख रहा, यहां स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां 2 है यहां 3 है, तो अगर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर -1 कर दो 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 का स्क्वायर करके 1 घटा दो। इसी तरह दोस्तों अगर यहां देखा जाए तो देखिए दोस्तों 3 का अगर स्क्वायर कर दें 9 हो जाएगा, 1 घटा दें 8 हो जाएगा, पेयर दोस्तों देखा है। और इसी तरह जरा यहां चेक करिए, अगर 4 आप स्क्वायर करते हैं और उसमें से 1 घटाते हैं तो 15 आता है दोस्तों, लेकिन यहां कितना दिया हुआ है देखिए 27 दिया है, 27 दिया है दोस्तों, यानी अलग कौन सा होगा, जल्दी बताइए अलग कौन सा हुआ, जल्दी बताएं दोस्तों फटाफट बताएं, जल्दी बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब, जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर। मोनिका आपके कमेंट आ रहे हैं बेटा, मोनिका आपके कमेंट दिख रहे हैं यहां पे, ठीक है ना।
चलिए बिल्कुल आठवें का डी बिल्कुल सही जवाब है। रमेश, मेघा, कोमल, पारुल, अभिषेक, अंजलि, माया, नीतू, हीरा, प्रशांत बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। उमेश जी, शैलेश बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां से अलग है क्योंकि सर बाकी सब में स्क्वायर में से एक माइनस हुआ है और यहां पर बहुत बड़ा अंतर है जो किसको मैच नहीं कर रहा, इस वजह से सर ये मामला अलग है यानी कि गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते फटाफट बिना कोई समय लिए हुए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब देना है। एक सीरीज का सवाल है, बताना है यहां पर क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, यही आपका प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो यहां पर देखिए ई से यफ हुआ, देख रहे हैं दोस्तों यहां पर ई से यफ हुआ है यानी कि प्लस वन हुआ, यफ से जी हुआ प्लस वन हुआ, इसी तरह से जी से यच हुआ प्लस वन हुआ है दोस्तों, तो यच में भी प्लस वन कर दीजिए आई हो जाएगा, ये पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है देखिए पहला हो गया आई, आगे बढ़ा जाए। अब यहां से देखिए यहां जे से के हुआ, के से यल हुआ, यल से यम हुआ, एक लाइन से सभी में प्लस वन हो रहा है, तो दोस्तों यम में प्लस वन कर दो तो यम प्लस वन यानी कि यन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए अगले से, तो 15 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद 18 हुआ, तो दोस्तों 18 के बाद क्या होगा, 19 होगा, यही है हमारा सही जवाब। आई यन और यस चेक किया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी यही है सही जवाब, यही है राइट आंसर। बिल्कुल कोमल का जवाब आ गया है, लीलावत का जवाब आ गया, विजय का जवाब आ गया, अंजलि बिल्कुल सही जवाब है, पारुल का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, पुष्पेंद्र का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ज्योति बिल्कुल सही जा रही है, बी आर मेघवाल बिल्कुल सही है, मंजू कुमावत बिल्कुल सही है, हिमेश जी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, अंकित का जवाब बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन पे, ठीक है ना दोस्तों, 9 सवाल हो चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज फिर से एक बार 20 प्रश्नों की श्रृंखला है और उस पे काम किया जाएगा, जल्दी से दोस्तों। लेकिन एक बार सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार शेयर करिए भैया, जल्दी से एक बार शेयर करिए और फिर जुड़ जाइए हमारे साथ में सवाल पर, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, सभी व्हाट्सएप पे, मैसेजर पे, एक बार जल्दी से भाइयों शेयर करिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अब तक, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ा जाए, जल्दी से एक बार दोस्तों फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए भाइयों, इतना सपोर्ट जरूर करिए टीम को, तभी मजा आएगा भाइयों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहां पर दो स्थान ब्लैंक है, आपको दो अक्षर बताने हैं, दो अक्षर बताने हैं, जल्दी भाई दोस्तों। बेटा दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल यही चीजें आएंगी, ये गारंटी है, आप पढ़ के देखिएगा, दिल्ली पुलिस में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तब बेटा, बेवकूफ बनाने के लिए हम अलग अलग नाम ले सकते हैं, पढ़ना सबको एक ही है, इसीलिए काम हम लोग नहीं करते, हम लोग क्लियर कट सच बताते हैं कि भैया यही सब में आएगा, आप पढ़िए बस 12 बजे, ये हर एक एग्जाम के लिए, आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, दिल्ली एसआई, राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसआई, कहीं का भी एग्जाम दीजिए, सब जगह ये सब सवाल आएंगे, ये कॉमन सिलेबस है इनका, ठीक है दोस्तों, जल्दी जवाब देंगे। दसवें का क्या होगा भाइयों, डी और ए के साथ मेरे भाई दिख रहे हैं, देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां पर बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, डी से ई हुआ, तो ई के बाद दूसरा अक्षर तो यफ हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है, देखिए दूसरा अक्षर तो यफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके पहले वाला क्या है वो खोज दिया जाए, तो देखो दोस्तों 15 से 14 हुआ, 14 से देखिए माइनस वन, ऊपर क्या है प्लस वन, ठीक है दोस्तों, ऊपर प्लस वन चल रहा है, नीचे माइनस वन है, तो यम में से माइनस वन कर दीजिए, यल हो जाएगा, यानी कि यल और यफ यही है राइट आंसर, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जितने भी भाई गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए यही होगा राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। शैलेश, अजय, अंजलि, मेघा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भाइयों, आप बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, इसका सही जवाब है यल और यफ, क्लियर है दोस्तों। जल्द से आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा दिमाग लगाएगा आपका जरूर, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, मैं देखता हूं कितने मेरे भाई इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए 7.2 इसको लिखा गया है 59, इसी तरह से 5.3
को लिखा गया है 28, इसी तरह से 9.1 को लिखा गया है 810, है ना दोस्तों, और फिर लास्ट में दिया है 2.1 को लिखा गया है 13। बताना है 5.4 को क्या लिखा जाएगा। देखता हूं मेरा कौन सा भाई इसका सही सही जवाब देता है। जल्दी से जवाब दें दोस्तों, फटाफट जवाब दें। दिल्ली पुलिस की इसकी क्लास चल रही है बेटा, ये दिल्ली पुलिस की क्लास 12 बजे से चल रही है, रीजनिंग की, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली पुलिस, पटवारी, राजस्थान पुलिस, आप पीटेट कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये रीजनिंग की मास्टर क्लास है। आप रोज 12 बजे जुड़िए और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल सब चीजें यही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी जवाब देंगे दोस्तों, क्या होगा सही जवाब फटाफट। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं मेरे सभी भाई। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो 7 और 2, देखिए दोस्तों 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 आएगा, 7 माइनस 2 करेंगे 5 आएगा। देखिए यहां 5 लिखा है और फिर 7 में 2 जोड़ दीजिए 9 आएगा। देखिए दोस्तों यहां 9 लिखा है, यानी एक बार घटा के लिखा है, एक बार जोड़ के लिखा है। इसी तरह देखिए दोस्तों 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा और फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से देखिए दोस्तों 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना दोस्तों। इसी तरह देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। देख रहे दोस्तों, यानी पहले घटा के लिख रहा है फिर उन्हीं दोनों को जोड़ के लिख रहा है, यही काम कर रहा है दोस्तों। देखिए 5 माइनस 4 कर दिया जाए 1 आएगा, तो पहले 1 लिख लीजिए और फिर 5 प्लस 4 कर दीजिए 9 आएगा, यानी कि 9 लिख दीजिए, यानी 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नो एनी डाउट बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से इसका जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए 120, 440, 960, फिर 1680, बताना है अगला क्या, बताना है अगला क्या। अब देखिए दोस्तों, देखने से समझ में आ रहा है कि सर इसमें बूढ़ा वाला टर्म तो है नहीं, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, क्योंकि दुगुना तिगुना तो दिख नहीं रहा, केवल अगर पहले वाले को छोड़ दें तो उसके बाद कोई उतना बड़ा अंतर नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दो, एक काम करते हैं, पहला फटाफट इनका अंतर निकालते हैं। तो अगर इनका अंतर निकालोगे तो 0, 4 में से 2 गए 2 और 3, 4 में से 1 गए 3 हो गया। अब दोस्तों जरा इसका अंतर निकाल लिया जाए तो 0, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 4 गए तो 5 हो गया। इसी तरह दोस्तों जरा इनका अंतर निकाल लीजिए तो 0, 2 और 16 में से 9 गए तो कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो 320 से 520 यानी कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। इसी तरह दोस्तों यहां चेक करिए तो यहां फिर से 200 का अंतर है, देख रहे हैं, यानी कि सीरीज जो है वो नीचे से चल रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों हम लोग भी वही काम करेंगे, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पहले 200 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 920। अब 920 को इसमें जोड़ दीजिए ऊपर वाले में, तो 1680 प्लस 920 जोड़िए दोस्तों, तो 0 होगा, 8 2 10 होगा, 9 6 15 और 1 16 होगा और 1 और 1 2 होगा, यानी आंसर आएगा 2600। क्या आएगा दोस्तों 2600। ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना दोस्तों। जल्दी से बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है हिमेश जी, आकाश बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, ओके बिल्कुल, मुकेश बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अजय का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, गौरव का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। जल्दी से दोस्तों फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। पारुल शर्मा कह रहे हैं सर 2600 होगा, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, 2600 राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना अगला होगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें हैं, कौन कौन सी भैया, यम एन ओ पी और क्यू हैं, ठीक है दोस्तों। बोला गया है बस यम
सामने और क्यू पिछले छोर पर खड़ी। मान लो एक बस स्टैंड है, मान लेते हैं ये एक बस स्टैंड है, ये इसका सामने का हिस्सा हो गया, ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया। बोला गया है कि बस ये यम जो है वो सामने है और बस क्यू जो है वो पिछले छोर पर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों छोर पर खड़े हो गए। अब क्या बोला गया दोस्तों, देखिए यन बस यम और ओ के बीच में है। यन बस जो है वो यम और ओ के बीच में है। तो देखिए दोस्तों, यम तो दिख रहा है लेकिन ओ नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पी बस ओ और क्यू के बीच में है। तो पी बस ओ और क्यू के बीच में, देखिए दोनों जगहों पर ओ कॉमन आ रहा है, यानी कि ओ को बैठा दें यहां पर, है ना दोस्तों। अब देखिए ओ और यम के बीच में कौन आ जाएगा, यहां यन हो जाएगा और यहां पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये हो गई पूरी सिटी, है ना दोस्तों। अब देखिए प्रश्न क्या था, कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है। तो भैया बीच में यही तो खड़ी है, कौन है यहां पर, ओ है। यानी बेटा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि सर ओ बस जो है वो बीचों बीच खड़ी है। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से दोस्तों, फटाफट बिल्कुल। दिलीप जी आप बस बने रहिए चैनल पे यार, गारंटी देते हैं कि पेपर में जब आप जाके बाहर आएंगे तो बिल्कुल देखिएगा आपका चेहरा खुश होगा, टेंशन हट जाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए, हम लोग आपको बता ही सकते हैं, करना तो आपको पड़ेगा ना यार। एक बार उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया है बीएसटीसी में, आपके साथ के जितने मित्र पढ़ रहे हैं पूछ सकते हैं आप। अब अगर आपको उम्मीद है कि नहीं सर आप हमारे को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं जुड़ेंगे तो बेटा घूमते रहो, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं और अभी आज तक भटक रहे हैं जिनको सही सही रिजल्ट नहीं मिल पाया, है ना दोस्तों। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता ना दोस्तों, उसके लिए तो आपको पढ़ना है, आपको घूमना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। आप जुड़ेंगे तो ही हम पढ़ा पाएंगे, आप नहीं जुड़ेंगे तो हम जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा देंगे भैया। जुड़ना तो आपको पड़ेगा ना मेरे साथ में, आपको आना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं कि यार अब आप कहीं और पढ़ो, कहो सर सिलेक्शन करा दो, ऐसे कोई सिलेक्शन करा लेगा। हम पढ़ा रहे हैं, आप जुड़िए, बस पढ़ते जाइए, देखिएगा पेपर इसी में से आएगा। फिर से कह रहा हूं, पेपर इसी में से आएगा, देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, आप भरोसा ना हो हमारा तो। आप पढ़ के देखिएगा, पेपर इससे बाहर आएगा तो कहिएगा आप हमसे। सारे सवाल, हर तरह के सवाल आप पढ़ चुके होंगे और उसी में से एक पैटर्न का सवाल एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है हमारी तरफ से आपको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद रखना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल ये जान लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताना है क्या है इसका सही जवाब। देखिए दोस्तों बोला गया है डिवाइन, डी आई वी आई एन ई, इसको लिखा गया है ए एफ एस एफ के बी, है ना दोस्तों। अब देखिए अगर इस पर काम किया जाए तो डी से ए हुआ -3 हुआ, आई से एफ हुआ -3 हुआ, V से यस हुआ -3 हुआ, यहां भी -3 है, यहां भी -3 है और यहां भी -3, एक लाइन से सब में -3 हो रहा है। यही चीज उठा के आप यहां कॉपी कर दीजिए दोस्तों, देखिए पावरफुल में कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों पावरफुल, पी ओ डब्ल्यू ई आर एफ यू एल, सभी में से -3 कर लीजिए, एक लाइन से सभी में से -3 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 16 में से 3 घटा दीजिए यम हो जाएगा, 15 में से 3 घटा दीजिए यल हो जाएगा, 23 में से 3 घटा दीजिए 20 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइए बी हो जाएगा, 18 में से 3 घटा दीजिए 15 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाइए सी हो जाएगा, 21 में से 3 घटाइए आर होगा और 12 में से 3 घटाइए आई होगा। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, M L T B O C R I, ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए, बिल्कुल यही ऑप्शन दिया हुआ है जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है सोनूदीप जी, बिल्कुल सही जवाब है। हरिओम का जवाब बिल्कुल सही है, भावना का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, फटाफट आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़ेंगे। गौरव का जवाब भी बिल्कुल सही आया है। देखिए दोस्तों हम लोग मेहनती नहीं, हम लोग जज्बाती लोग हैं, आप पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाएंगे। यार थोड़ा सा मूडी भी है ये भी जान लो, मेहनत भी करते हैं थोड़ा सा मूडी भी है, पढ़ोगे बढ़िया से तो बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे,
जब तुम ही नहीं पढ़ा पाओ, पढ़ना चाहोगे या तो तुम्हारे ही भविष्य के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हम नहीं क्लास रोक देंगे, सीधी सी बात है। मैंने कई बार क्लास को बीच में रोका है, रीजन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊं यार, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं आपके लिए। आपको सोचना पड़ेगा भैया, आपका भविष्य है, आपको घर वालों को खुश करना है, आपको जिंदगी में सफल होना है, आपको आगे बहुत कुछ पाना है। कैसे पाएंगे, इस तरह से थोड़ी पाएंगे यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करोगे भैया, आपको भी तो नौकरी चाहिए, सीधी सी बात है यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए बोला गया है नोट को लिखा गया PQVG। तो पूछा गया है दोस्तों टाइम को क्या लिखा जाएगा, टाइम को क्या लिखा जाएगा, यही बताना है दोस्तों, है ना, जल्दी से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां देखिए 14 से 16 हुआ प्लस 2 हुआ, 15 से 16 हुआ प्लस 2 हुआ, टी से वी हुआ प्लस 2 हुआ और ई से जी हुआ प्लस 2 हुआ, है ना दोस्तों। अब यही काम इधर कर लो, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए दोस्तों 20 दो 22, 9 दो 11, 13 दो 15, 5 और 2 7, ये हो गया आपका इसका राइट आंसर, VKOG। चेक करिए कहां दिया हुआ है, VKOG ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। देखो अब लग रहा है ना पढ़ाई हो रही, ये लगता है कि पढ़ाई हो रही है, फिजूल की बातें नहीं हो रही, केवल पढ़ रहे हो, यही अच्छा लगता है, यही माहौल एक टीचर को चाहिए आपसे, पढ़ते जाइए, पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ाएंगे, अगर आप टाइम पास करेंगे तो हम वही क्लास को स्टॉप कर देंगे, है ना दोस्तों। जल्दी से आगे बढ़िए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, फटाफट आंसर देना है, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, पिछले वाले में अजय का, संदीप का, आर के मेहराज का, लक्ष्मी का, आज के लीलावत का, मोनिका का, तरुण बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नेहा बिश्नोई, पलक बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अब यहां आ जाते हैं भाइयों, देखो SMART स्मार्ट को लिखा गया UKCPV। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां पर प्लस 2 है, यहां माइनस 2 है, यहां प्लस 2 है, यहां माइनस 2 है और यहां प्लस 2, देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 का सीक्वेंस चल रहा है, वही काम आपको यहां पर कर लेना है। वंडर को बोला गया है WONDER को बताना है, तो देखिए दोस्तों प्लस 2 से शुरुआत हुई है तो प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए फटाफट इस पे काम किया जाए तो 23 और 2 25 हो जाएगा, 15 में से 2 घटा दीजिए 13 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 होगा और 18 में से 2 घटा दोगे तो 16 हो जाएगा, यही है आपका राइट आंसर। चेक करिए कहां दिया हुआ है, YMPBGP ऑप्शन नंबर बी, चेक करिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, देखता हूं भाई बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नो एनी डाउट बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों फटाफट, अभी कई सारी बातें होंगी लेकिन सवाल को खत्म करने के बाद, है ना, बातें करी जाएंगी कुछ जरूरी बातें लेकिन सवाल को खत्म करने के बाद, अभी भी 3 सवाल बाकी हैं इसके बाद, है ना, सवाल जब खत्म हो जाते हैं तो कुछ बातें हम आपसे करेंगे जो बहुत जरूरी होंगी आपके लिए, बहुत काम की चीजें होंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न पर आते हैं, क्या बोला गया है, सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं, यानी दोस्तों मान लिया ये सेब है, ठीक है ये सेब है तो ये किसके अंदर चले गए भैया, ये आ गए केले के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी केले मीठे हैं, यानी भैया ये केले जो थे ये पूरे के पूरे किसके अंदर चले गए, मीठे के अंदर आ गए। अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष जरा पढ़ा जाए, पहला निष्कर्ष कहता है कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब नहीं भैया यहां तो पूरे के पूरे सेब ही मीठे हैं, समझ रहे हो दोस्तों, बताइए क्या होगा सही क्या होगा गलत, जल्दी जवाब दीजिए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, कि भैया इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी बताइए। कुछ सेब मीठे, देखिए बेटा पूरे हैं तो कुछ भी होंगे, तो पहली बात तो बिल्कुल अपनी जगह पर क्या है दोस्तों सही है,
दूसरे पर आ जाइए, कुछ केले सेवन। देखिए दोस्तों, केलों का ये वाला हिस्सा है और उसके अंदर सेब बैठा है, यानी कि दूसरा वाला भी सही है। यानी दोस्तों दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हैं, सही हैं। यानी दोस्तों हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्योंकि दोनों निष्कर्ष सही है भैया, दोनों निष्कर्ष सही है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नो एनी डाउट, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल सही जवाब है आनंद का। आनंद का जवाब बिल्कुल सही है, आकाश का जवाब बिल्कुल सही है, मोनिका का जवाब बिल्कुल सही है, संदेश का जवाब बिल्कुल सही है। फटाफट फटाफट बिल्कुल पारुल का जवाब बिल्कुल सही दिख रहा है, ज्योति का जवाब बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब देना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, सभी धातुएं चांदी हैं, तो मान लेते हैं ये धातुएं हैं, है ना, ये धातु है और ये किसके अंदर हो गई दोस्तों, चांदी के अंदर हो गई, यानी ये मान लिया जाए चांदी हो गई। आगे बढ़ते हैं, सभी चांदी हीरे हैं, यानी ये पूरी की पूरी चांदी हीरों के अंदर आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ हीरे सोना है, यानी इसमें से कुछ हीरे आ गए किसके पास दोस्तों, सोना के पास आ गए। और फिर कहता है कुछ सोने संगमरमर हैं, यानी इसमें से कुछ हिस्सा संगमरमर को मिल गया, है ना दोस्तों, संगमरमर को। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, अब निष्कर्ष पे आ जाए, कुछ सोना धातुएं हैं, ये देखना है कि क्या सोना का कुछ हिस्सा भी धातुओं में अटैच है क्या। तो देखिए दोस्तों सोना जो है वो यहां पर है और धातुएं अंदर हैं, इनमें कोई अटैचमेंट नहीं है, यानी पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट, सभी धातुएं हीरे हैं, तो देखना है कि क्या पूरा की पूरा धातु हीरे के अंदर है क्या। तो चेक करिए दोस्तों, देखिए धातु ये है, हीरे का हिस्सा ये है, ये पूरी तरह से उसके अंदर में है, इसीलिए दूसरा तो सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ चांदी संगमरमर है, तो देखिए दोस्तों चांदी ये रही, संगमरमर यहां है, कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके पास कुछ सोना चांदी है, तो देखिए दोस्तों सोना ये रहा, चांदी ये रही, कोई कनेक्शन नहीं है, यानी पहला तीसरा और चौथा गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कि सर केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है और कोई नहीं, यही है राइट आंसर। देखता हूं कितने भाई गए हैं, प्रदीप बिल्कुल सही जवाब है, प्रदीप का बिल्कुल सही जवाब है, संदेश का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों देखिए कुछ सोने संगमरमर है ना, कहां गया, नहीं बेटा ये है, कुछ सोना चांदी है, चौथा निष्कर्ष ये रहा बेटा, आपने गलत मिलाया है। चेक करिए, कुछ सोना चांदी है ये मिलाना था दोस्तों, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है कि केवल निष्कर्ष 2 ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, जल्दी बताना दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा, 0, 6, 24, 60 क्वेश्चन मार्क है ना, और फिर 210 ये है, बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। देखता हूं कौन सा मेरा भाई सही जवाब देता है, भाई सा जल्दी से जवाब दो बच्चों, कौन जवाब सही देता है, देखता हूं भाई कौन सा भाई या मेरा स्टूडेंट सही सही जवाब देता है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, सवाल बहुत बढ़िया सवाल है और उतना ही आसान सवाल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताना है कौन सा सही होगा, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों फटाफट आंसर, जल्दी से जवाब दें दोस्तों, फटाफट बताएं क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक कह रहे हैं सर ऑप्शन डी होगा, नेहा बिश्नोई कह रही है सर सी होगा, अच्छा सोनू बी के साथ जा रहे हैं, मोनिका ए के साथ जा रही हैं, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। नेहा कह रही है सर ये होगा 120, ये नेहा का कहना है भाई, अच्छा और भाई क्या कह रहे हो जल्दी बताओ,
देखो दोस्तों, अगर जीरो को देखा जाए तो वन का क्यूब माइनस वन लिख सकते हैं। जीरो के लिए हम लोग वन का क्यूब माइनस वन लिख सकते हैं। छह के लिए दोस्तों दो का क्यूब माइनस वन टू कर लो। दो के छह के लिए क्या हो सकता है, टू का क्यूब माइनस वन कर लो, है ना दोस्तों। इसी तरह से 24 के लिए क्या कर सकते हो, थ्री का क्यूब माइनस थ्री कर लो, ठीक है भैया। इसी तरह देखो यहां पर ये चार का क्यूब माइनस चार हो गया, क्लियर है। देखिए चार का क्यूब 64 होता है, माइनस चार कर दिया 60 आ गया, है ना दोस्तों। देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो यहां पांच की बारी है, तो पांच का क्यूब माइनस पांच करिए तो पांच का क्यूब होता है 125, ठीक है दोस्तों। कितना होता है 125 में से पांच घटा दीजिए 120 आएगा, है ना दोस्तों। चेक कर लीजिए यहां पर 120 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है नेहा का। नेहा जो जवाब दे रही थी बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 19वें का। बिल्कुल भावना, मुस्कान, बी आर मेघवाल, एम एल मिया, बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, प्रतिमा, वेरी गुड वेरी गुड, विनोद बहुत अच्छे भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर दोस्तों। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा। जल्दी जवाब दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा यही आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहां 49 है, 81 है, 64 है, 4 है, 49 है, 9 है, और अगर यहां देखा जाए तो यहां पर 25 है, 16 है और 36 है, यहां 10 है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहां 11 है। तो बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा यही आपसे पूछा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कौन इसका सही सही जवाब देता है दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि यही हम लोगों का आज का आखिरी प्रश्न होगा। कल फिर मिलूंगा 12 बजे अपने समय पर, आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक उसका जल्दी से आप इसका जवाब पहले दीजिए, जवाब दे करके ही वीडियो बंद की जाएगी। जल्दी से इसका जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर, चार, हिमेश कह रहे हैं सर चार होगा, अच्छा मोनिका जी बी के साथ जा रही है, अच्छा भाई सही सही जवाब बताइए दोस्तों, जल्दी से सही जवाब दो। राजेश 6 के साथ जा रहे हैं, प्रिंस 4 के साथ जा रहे हैं, अच्छा नाथमल जी 4 के साथ जा रहे हैं, हारून जी 4 के साथ जा रहे हैं, मोनिका माटवा जी 1 के साथ यानी 6 के साथ जा रही, अच्छा। देखो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां 49 है, यहां 4 है और यहां 5 है। अगर देखा जाए दोस्तों तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, क्लियर है। इसी तरह से 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 7 प्लस 5 कर लीजिए, क्लियर हो गया। और देखिए ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है ना, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों 7 प्लस 5 12 होगा, 12 में से 2 घटाओगे 10 आ जाएगा, जो कि देखो यहां दिया हुआ है, देख रहे हो। अब इसी तरह से जरा यहां काम कर लो, तो देखो दोस्तों ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो 8 प्लस 6 माइनस कर ले, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, घटा दीजिए तो 8 6 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 होगा। देखिए दोस्तों यहां पर 11 दिया हुआ है ना। अब बता बीच वाला, समझ में आ गया होगा कि सबसे ऊपर वाले का और तीसरे वाले का जोड़ लेना है अंडर रूट करके, और दूसरे वाले के अंडर रूट को माइनस कर देना है, यही है राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों यहां पर 81 है यानी कि 9 का स्क्वायर, यहां 16 है यानी कि 4 का स्क्वायर है दोस्तों, दोनों को जोड़ के, और देखो यहां 49 दिया है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों 9 4 13 होगा, 13 में से 7 घटाओगे 6 आएगा, यही आपका राइट आंसर है कि सर यहां पर क्या होगा 6 होगा, और यही हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखता हूं कितने भाई गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है विनोद, कोबल, भावना, अजय, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। एक ध्यान रखिएगा भैया, आप सभी बच्चे जो बीएसटीसी की फॉर्म भरे थे या बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे थे, आपको एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, आप पटवारी की भी तैयारी करिए क्योंकि वो भी आपके लेवल पर है। इसके अलावा आप पुलिस की तैयारी करें, ठीक है, पुलिस के लिए तैयार हो जाइए एकदम, पटवारी, पुलिस। और जो भाई हमारे पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पीटेट की तैयारी, ध्यान देना पुलिस का कहीं का भी एग्जाम हो,
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर सिलेबस में रीजनिंग है। और इन सभी के लिए, इन सभी के लिए आपकी क्लास पर डे 12 बजे चलेगी, 12 पीएम पर चलेगी। ये टाइमिंग चेंज नहीं होने वाली है, ये टाइमिंग रीजनिंग की ही टाइमिंग रहेगी। प्रतिदिन 12 बजे पटवारी पुलिस, चाहे किसी भी राज्य की पुलिस का एग्जाम हो, उसके अलावा पीटेट का एग्जाम, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पर की रीजनिंग आती है, यहां तक कि किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें, तो अगर वहां रीजनिंग आती है तो आप इस क्लास को करिए। गारंटीड है आपका पूरा सिलेबस इसी में से कवर होगा दोस्तों। क्लियर है? कैसे लगे आज के प्रश्न बताइए जल्दी दोस्तों, आज के प्रश्न कैसे लगे? सवाल लगाने में मजा आया, प्रश्न अच्छे थे, थोड़े आसान प्रश्न थे, क्योंकि अभी कल पेपर दिए हो तो आज हल्के मूड से काम करो, धीरे धीरे सीरियस हुआ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना है, कल फिर आपसे 12 बजे मिलूंगा। पटवारी पुलिस और पीटेट, तीनों के लिए मैं कॉमन सिलेबस पढ़ा रहा हूं, एकदम ऐसे सवाल जो तीनों को टच करेंगे और तीनों में आएंगे, वही सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे, पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा जो एग्जाम का है। समय से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना, समय का ध्यान रखना है, करेक्ट 12 बजे। कल संख्या और होनी चाहिए, संख्या घट रही है, बढ़नी चाहिए, क्योंकि यार इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दी गई, 100% पेपर में से लगभग 95% पैटर्न सवाल हमारे सेट से थे, हमारे नोट्स थे, हमारे मैराथन क्लास से थे। जिसको डाउट हो वो चेक कर ले, हर सब्जेक्ट को, हिंदी को, टीचिंग एटीट्यूड को, जीएस को चेक कर लीजिए, रीजनिंग को चेक कर लीजिए, हर तरह के सवाल हमारी मैराथन क्लास में मौजूद हैं। कुछ सवाल तो डिक्टो कॉपी हुए हैं, सेम टू सेम कॉपी हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर ये टीम मेहनत कर रही है सफलता दिला के छोड़ेगी, लेकिन हिम्मत बांधनी पड़ेगी। जैसे बीएसटीसी के लिए तैयार हुए, कमर कस के हमारे साथ खड़े हुए, वैसे ही इन एग्जामों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वैकेंसियां बहुत जल्दी खुलने वाली हैं, क्योंकि पूरे इंडिया स्तर पर एसएससी के वैकेंसियों को लेकर के विरोध शुरू हो चुका है। तो ये ज्यादा आसार है कि वैकेंसियां बहुत जल्दी खुलेंगी, समय नहीं मिलेगा, इसीलिए दोस्तों एकदम बेधड़क तैयारी में लग जाओ। रेस्ट मत करो, रेस्ट तब करना जब मंजिल मिल जाए, उसके पहले रेस्ट करोगे नुकसान अपना करोगे, किसी का कुछ नहीं लेके जाओगे, नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे माँ बाप का होगा, तुम्हारे भविष्य का होगा, तुम्हारे कैरियर का होगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए बिना कोई गैप किए जीजान से लग जाइए पढ़ने में। 12 बजे से कल फिर मिलूंगा रीजनिंग की क्लास को लेके, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहना, गैपिंग मत करना, रिवीजन जारी रखिए, रिवीजन में कोई कमी मत करिए, ये ध्यान रखिए दोस्तों, रिवीजन करना बहुत जरूरी है सफलता के लिए, ठीक है। तो चलिए कल मिलता हूं 12 बजे।